हेलो जी हेलो नमस्ते एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीबॉडी मेरा नाम है हिमानी एंड आई एम अ फुल टाइम ट्रैवलर फ्रॉम इंडिया और इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलने वाली हूँ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश क्योंकि इस बार मैं अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रही हूँ थोड़ा सा लेजर ट्रिप होने वाला है बट मैं आपको साथ ही साथ बजट वाले ऑप्शन भी बताऊँगी तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू रीच धर्मशाला फ्रॉम डेली टैक्सी से कैसे जा सकते हो बस से क्या ऑप्शन है कितना फेयर है एवरी थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो सो वॉच दिस वीडियो टिल गुड मॉर्निंग टू धर्मशाल विद दिस एंड दिस यूमेन राइट नाउ इट्स फाइव टेन इन द मॉर्निंग एंड वी है फ्लाइट अराउंड टेन all checked in security checks up okay i'm thinking to go to the lounge and have something tea or coffee and then we'll board the flight अब मैं आपको बता देती हूँ कि दिल्ली से धर्मशाला तक की फ़्लाइट का फेयर कितना होता है तो मैंने अप्रॉक्सीमेटली कुछ 20 दिन पहले ये फ़्लाइट बुक की थी मुझे 4,500 में मेरी फ्लाइट की टिकट पड़ी पर पर्सन तो आप डिपेंड करता है कितना जल्दी करते हो आप जितने जल्दी बुक करोगे एक से डेढ़ महीने पहले करोगे तो आपको थोड़ा और कम पड़ सकता है बट इसका जो बेस फेयर है धर्मशाला का दैट्स चार से नीचे नहीं आता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड फ्लाइट्स हैं लाइक दिन में सिर्फ दो फ्लाइट जाती है धर्मशाला तो आपको इसका फेयर जो है वो अराउंड चार से साढ़े चार हजार के बीच ही मिलेगा बट अगर आप एकदम एंड मोमेंट पे बुक करेंगे तो ये समवेयर वेयर आठ दस हजार भी पहुंच जाता है कई बार एंड यू कैन सी दिस क्राफ्ट इज ऑल्सो वेरी स्मॉल वन दैट पंखे वाला आई ऑलवेज से दैट बाई द वे वी हैड अ ग्रेट फ्लाइट एक्सेप्ट मुझे लास्ट वाली सीट मिली थी जिस वजह से मैं रिक्लाइन नहीं कर पा रही थी और थोड़ा सा परेशानी थी बट रेस्ट वॉज ओके वी इंजॉयड अवर फ्लाइट लाइक व्यूज बड़े अच्छे थे ऑपरेशन And then we landed in देखे देखे। और धर्मशाला लैंड करने के बाद जो नज़ारे तेरा बाहर आए हैं इतने सुंदर लाइक like हम सबके सब ना बहुत ही खुश हो गए द मोमेंट वी केम आउट ऑफ द एयरक्राफ्ट वी ऑल फेल ओ माई गॉड वी लैंडेड इन धर्मशाला दिस इज ब्यूटिफुल सो यावरीबडी छोटू एयरपोर्ट जो सो so, आपको इस एयरपोर्ट से बाहर निकलने के लिए अपना लगेज लेके हार्डली पाँच से दस मिनट लगता है बिकॉज इट्स अ वेरी टाइनी एयरपोर्ट जैसे ही आप बाहर आएंगे आपको प्रीपेड टैक्सी बूथ मिल जाएगा उसके बाजू में एक एटीएम मशीन भी है जहाँ से आप कैश विद्रॉ कर सकते हैं हमें कुछ बारह सौ पचास रुपये लगे मैकलॉट ड्रॉप करने के लिए टैक्सी ने लिया हमसे इट्स अ स्मॉल ऑल्टो कार एंड वहाँ पर हमारा लगेज फिट हो गया तो हमने ले ली वो टैक्सी बहुत ही प्यारे टी गार्डन से होते हुए हम पहुँच गए हमारे होटल तो इस तरीके से हमारी रही है फ्लाइट की जर्नी जो कि हमने आई थिंक तीन से चार घंटे में हम दिल्ली से धर्मशाला पहुंच गए हमारी प्रॉपर्टी एंड देन द अनदर ऑप्शन जिसके तरफ हम आगे बढ़ते हैं वो है टैक्सी का अगर आप डायरेक्टली टैक्सी लेना चाहते हैं फ्रॉम दिल्ली टू धर्मशाला वैसे मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगी बट इफ़ यू आर कमिंग विद ग्रुप ऑफ पीपल लाइक पाँच छः लोगों के साथ तो आप इनोवा या फिर इस तरीके की बड़ी गाड़ी बुक कर सकते हैं एस जो कि कंफर्टेबल भी होती है और इतनी लंबी जर्नी के लिए इट्स गुड ऑल्सो तो मेक अब जैसा कि मैं आपको मेक माई ट्रिप में दिखा रही हूँ कोई भी रैंडमली एक डेट सेलेक्ट करके कि आप डेली से अगर कोई कैब रेंटल करते हैं तो आपको कितना चार्ज लगता है और बिकॉज दिस इज समवेयर अराउंड 450 फिफ्टी किलोमीटर्स फोर्टीन जो है इसका प्राइस है लाइक सडैन गाड़ी का बट आप चार से पाँच लोग हैं और आप अगर इनोवा या इस तरीके की गाड़ी करना चाहते हैं वो थोड़ा और ज़्यादा कॉस्टली होगा बट देर इज़ अ कार रेंटल सर्विस कॉल सवारी कार रेंटल ये मैंने मनाली के लिए एक बार ऑप्ट करी थी एंड इट्स वेरी चीप आई डोंट नो वाई दे आर प्रमोटिंग और क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता है बट दे आर द चीपेस्ट कैब रेंटल सर्विस इन इंडिया आई मास् से दीज डेज़ तो इनकी जो गाड़ी का जो चार्जेस है दैट यू कैन सी लाइक हाफ द प्राइज जो कि मेक माई ट्रिप में था इसका सेवन थाउजेंड है एंड अर्टिगा नाइन थाउजेंड फाइव फिफ्टी विच इस बाकी आपको यहाँ पर सारी डिटेल डाल के इसे बुक करना होता है एंड क्या क्या इंक्लूडिंग होता है वो भी इसमें ईजिली लिखा होता है सब कुछ तो आपको बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है

होती है ना वो सबसे ऊपर आ जाती है एंड यू कैन सी द प्राइस लाइक 850 रुपीस 750 रुपीस दिस आर द प्राइसेस फॉर डेली टू धर्मशाला धर्मशाला टू डेली वेरेवर यू वॉन्ट टू कम और गो दीज़ आर द प्राइजेज एंड अगर आप एच आर टी सी की बस बुक करना चाहते हो तो उसमें भी बहुत सारे ऑप्शन हैं लाइक like, मैं आपको दिखा देती हूँ ये एच आर टी सी की वेबसाइट है आपको धर्मशाला आपको हिमाचल में कहीं पर भी जाना है सारी जगह के लिए आपको एच आर टी सी की बसेज मिल जाती है ऑल यू हैव टू डू इज फिल ऑल योर लाइक कहाँ से जाना है किधर जाना है डेट क्या है और ये सब आपको फिल करना है एंड वेन यू विल सर्च यू विल गेट द रिज़ल्ट और हाँ एच आर टी सी में एक फ़ायदा ये कि गवर्नमेंट बसेज हैं तो बिल्कुल सेफ और सब कुछ सही होता है इंस्टीड ऑफ़ प्राइवेट बसेज बाकी प्राइवेट बसेज के साथ भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लाया रहा है लाइक जिंग बस इंटरसिटी दे आर अमेजिंग इनकी सर्विसज भी बहुत अच्छी होती है तो दीज आर द प्राइजेज फॉर एच आर टी सी बस तेरह सौ रुपए अब यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे ना तो आपको सीट भी साथ में सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है जैसे कि शो लेआउट में आप जैसे क्लिक करेंगे यू कैन सी इसमें मोस्टली सीट्स फुल हैं बट ऐसा नहीं होता है हमेशा बिकॉज मैंने वीकेंड वाली डेट सेलेक्ट है इसलिए ये ऑलमोस्ट पूरा फुल बता रहा है एंड आई वुड रिकमेंड यू गाइस डोंट टेक पीछे वाली सीट्स क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा झटके लगते हैं और नींद भी नहीं आती है रात को सो या दिस इज़ इट गाइज़ ये थी सबसे बजट फ्रेंडली वाला ऑप्शन एंड आर द थ्री वेज यू कैन ट्रेवल फ्रॉम डेली टू धर्मशाला आई होप आपको ये बहुत ही क्लियर हो गया होगा अब इस वीडियो के एंड में कि आप धर्मशाल या हिमाचल की कोई भी जगह किन तरीक़ों से पहुँच सकते हैं सो दिस इज़ इट गाइज होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल इफ़ यू डिड दैन यू नो वॉट यू हैव टू डू डू लाइक दिस वीडियो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवेंट ऑलरेडी और भी बहुत सारे ऐसे धर्मशाला से मैं वीडियो अपलोड करने वाली हूँ अब अबाउट द स्टे कहाँ पर हमने स्टे किया कैसे बुक किया एवरी थिंग इज कमिंग योर वे सो मेक्स मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल विल सी यू विद अनदर वीडियो वेरी वेरी सोन टिल देन टाटा बाय बाय नमस्ते